और यहाँ ऐसी ऐसी गलत हरकतें जब हमने ये सुनी तो तुरंत जो है हमने पेपर देखने के बाद एक एसपी को लेटर लिखा, मैडम को ही बोला हमने, लेकिन उसके हम ये बात ही चल रही थी। उसी दिन शाम को दो दिन के बाद जब मैडम के स्कूल की एग्जाम खत्म हो गई तो इधर वो आने आके दोबारा दमबाटी करने लगे, क्योंकि पहले से पुलिस में कंप्लेंट मैडम ने की है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, इतना भी नहीं जो कि इन्होंने आरटीआई से जवाब मांगा। ये जो स्थानीय पुलिस है, ये एसपी है, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद जब हम यहाँ आए, ये जब सब गुंडे, मैडम ने भी नाम लिया, अरुण पाटिल और उनके गुंडे ने यहाँ आए, और दोबारा हम जब आने के बाद भी इन पर गुंडागर्दी इनके साथ की। सर, जो आपने जो नाम बताया अरुण पाटिल और जो उनके हैं साथी वगैरह, एक किस संस्था से जुड़े हुए हैं या मतलब ऐसी? नहीं नहीं, ये तो ये स्थानीय गुंडे है कि ये जगह पे जगह जो है मैडम ने खरीदी है, इसके बावजूद उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करें तो हमें कोई गवर्नमेंट ने कोई पुलिस है उनको पूरा सपोर्ट करती है। और जब हम यहाँ आए तो यहाँ पूरी खुली जगह थी, मैंने फोटो भी निकाले हैं, लेकिन उनको जब पता चला कि यहाँ कोई छो रहा है तो इन्होंने दोबारा आके इधर काम शुरू किया, उल्टा मैडम को बहुत बड़ी दमदार टिक्की। उसके बाद में मैडम ने खुद जाकर जो यहाँ के पालघर के एसपी है उनको कंप्लेंट की कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। इसके बावजूद ये कंप्लेंट कब की गई सर? ये कंप्लेंट हमें लगभग पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में कंप्लेंट किया है, अभी मतलब कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले। और मैडम ने कंप्लेंट करने के बाद हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने भी कंप्लेंट की है, ये सभी को की है कि यहाँ के जो कमिश्नर है, आयुक्त है, महानगर पालिका के आयुक्त है, महानगर पालिका के महापौर है, महानगर पालिका के कई विभाग के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है, तो ये स्थानीय पुलिस स्टेशन है, एसपी है, सबके पास हमने कंप्लेंट किया है, और इसके बावजूद भी ये इधर बांधकाम हो गया और रहने को भी आ गया। तो हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि तुरंत जो है ये जो इलीगल बांधकाम हुआ है इनको तोड़े, और आगे चलकर जो आप अगर यहाँ से आएंगे तो रास्ता बंद कर दिया है, रास्ता बंद कर दिया, ये तो पहले से है रास्ता बंद कर दिया है, तो ये भी रास्ता जो है जब तक खुलता नहीं है तब तक ये हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था और टीडीएफ, यहाँ अगर आगे चलकर कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट नहीं करते, तो यहाँ हम चक्का जाम करेंगे और यहाँ आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। तो हमारी गुजारिश यही है हमारे पब्लिक को, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, ये हमें साथ दे। अगर आपने हमें साथ दिया तो एक न एक दिन हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे। तो आप लोग ये जो हमारी हम जो प्रोटेक्शन अभियान कर रहे हैं, हम जो आंदोलन करने वाले हैं, इसके लिए आप सबका सहायता हमें मिलेगा, तो ये जीत जो है जीत हमारी है। प्रेम बालिका सिंह ह्या इथल्या मुख्याध्यापिका आहेत, त्यांना फक्त धमक्या येत नाही आहेत, तर नाही का पुलिसचा समोर म्हणजे पुलिसवाल्यांच्या समोर त्यांना मारण्यात आलेला आहे, ही फार दुःखाची गोष्ट आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे की तुम्ही आज इथं आलेला आहात, आज नाही काय की तिरंगा फडकवायला सुद्धा जागा ठेवलेली नाही आहे। मी तर म्हणतोय की इथले जे नेते आहेत, आदरणीय श्री हितेंद्र ठाकूर साहेब, सिद्धीश ठाकूर साहेब, राजू पाटील साहेब, अजू पाटील साहेब, इथले खासदार शिवसेनेचे, ते काय करत आहेत, आणि इथला तो नगरसेवक काय मूर्ख आहे का? सरकारद्वारे नाही का संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये नाही का अनधिकृत बांधकाम बंद करण्यात आलेलं आहे, मग अशा या गुंड्यांना परवानगी देते कोण? म्हणजेच की महानगरपालिका। मग महानगरपालिका अशा गुंड्यांच्या दबावाखाली काम करते का? अशा गुंड्यांना ते सपोर्ट करते का? यांची दखल का घेतल्या जात नाही? आज या 400 मुलांच्या जीवनाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। प्रेम बालिका सिंग आमच्या आम्हाला त्यांनी कंप्लीट केली होती 15 डिसेंबरला, आणि त्यांनी आम्ही इथे आलोही तर त्यावेळेसचे समोरचं जे बांधकाम होते नव्हतं, पण त्यांना काहीतरी चाहूल लागली की इथे कोणीतरी आलेले आहेत, तर त्यांनी रात्रोरात 2-4 दिवसामध्ये बांधकाम उभं केलं।